बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ब्लैक वाली मुर्गी के जो दिन हैं वो पूरे हो चुके हैं। जैसे ही हम ऊपर छत पे आए तो हमने सोचा देख लेते हैं क्या बच्चे वगैरह निकले हैं कि नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, ये हमारी असील मुर्गी है। पहले तो आप सब भाइयों का शुक्रिया जो आपने मुझे सपोर्ट की है और इतना सारा प्यार करते हो, दुआओं में याद रखें। तो मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करके सकूं। तो मेरे पास आपको पता है असील मुर्गे भी हैं, देसी मुर्गियां भी हैं। तो आइए इसको अब उठाते हैं, अंडों से चेक करते हैं कितने बच्चे, कितने अंडे पड़े हुए हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है। ये मुर्गी ब्लैक वाली आपके सामने है, इसका बेटा है ब्लैक कोबरा के नाम से। वो भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इसका बेटा है वो ब्लैक कोबरा के नाम से वीडियो पड़ी हुई है। अब चेक करते हैं अंडों में से कितने बच्चे निकले हैं। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जिसके अंदर बैठी हुई है ये लकड़ी का है। इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर जो होता है धूप वगैरह का वो कम होता है और तपश नहीं होती, गर्मी वगैरह नहीं होती। अंदर जो होती है ठंड होती है। और कोशिश करते हैं बच्चे इंशाल्लाह तारा सारे निकलेंगे। तो आइए चेक करते हैं, मुर्गी को उठा रहे हैं क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुर्गी को हमने उठा दिया है, तो अंडे वगैरह चेक कर रहे हैं। तो ये एक ये अंडा है जो पूरी तरह टूट चुका है, ये देखो आप, छिलका इसका उतर चुका है और इसके अंदर एक चूजा है। तो सारे अंडे धीरे धीरे चेक कर रहे हैं और इसके अंदर भी चूजा है, ये देखें आप, इसके अंदर भी चूजा है। ये अंडे देखें आप, टूटने वाले हैं देख, और ये भी देखें आप टूटा हुआ है। तो ऐसे तकरीबन हमारे पास बहुत सारे अंडे पड़े हुए थे। अब ये अभी तक टूटा हुआ नहीं है और ये टूटा हुआ अंडा है। अब चेक करते हैं इसमें से कितने बच्चे निकलते हैं। तो टोटल अंडे हमारे पास पड़े हुए हैं 10 अंडे, और 10 अंडों में से देखते हैं कितने बच्चे निकलते हैं। तो शाम तक ये सारे बच्चे निकल जाएंगे, शाम तक नहीं निकले तो कल निकल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये देखें आप, ये देखें, जूम करके आपको दिखा रहे हैं।